राजधानी में आज मौसम का मिजाज बदला। प्रदेश में लगातार मॉनसून सक्रिय है, जिसका असर जयपुर में दिखाई दे रहा है। दोपहर में शुरू हुई झमाझम बारिश से जहां तापमान में कमी आई, वहीं लोगों को गर्मी और उमस से भी राहत मिली। हालांकि तेज बारिश के चलते लोगों को जलभराव की समस्या का भी सामना करना पड़ा। राजधानी में एक बार फिर से मौसम ने मिजाज बदला। जहां सुबह से ही तेज धूप निकली हुई थी, तो वहीं करीब एक घंटे से लगातार जो बारिश का दौर है वो जारी है। और सुबह से ही जो धूप तेज थी, उससे कहीं ना कहीं लोग गर्मी से जो राहत मिली है बरसात होने से, खासा लोग जो बरसात में काफी लोग भीगते भी दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो गर्मी थी उससे राहत पाने के लिए लोग बाहर निकले हुए हैं, बारिश का आनंद उठा रहे हैं। क्योंकि अगर बात करी जाए तो सावन के बाद आज फिर से तेज बारिश हो रही है। सावन के सोमवार, आखिरी सोमवार वाले दिन झमाझम बारिश का दौर चला था। और आप देख सकते हैं कि जल भराव की भी समस्या देखी जा रही है। मैं स्वयं मोतीलाल अटल रोड पर मौजूद हूँ और जल भराव की समस्या खासा यहाँ पर रहती है जब बारिश होती है। लेकिन अभी करीब एक घंटे की बारिश में ही, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रोड जो जल भराव है उसकी समस्या से लोगों को जूझना पड़ रहा है। मोटरसाइकिल का टायर हो या कार का हो, अब डूबते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं लोगों को इस जो जल भराव की समस्या है इसका भी सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जो मौसम विभाग की मानी जाए तो मौसम विभाग ने ही आज के लिए जयपुर, अलवर, टोंक समेत करीब आधा दर्जन से अधिक जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया हुआ था। इसके साथ ही साथ अगर मौसम विभाग की मानी जाए तो पश्चिम जो राजस्थान है, बीकानेर, जोधपुर संभाग में अगले 3 से 4 दिनों में भारी बारिश की, हल्के से मध्यम दर्जे की जो बारिश होती है उसके लिए अलर्ट भी जारी किया हुआ है। मैं कैमरा पर्सन नेमी चंद पांचाल के साथ ऋषभ पांडे, एवन टीवी न्यूज, जयपुर।